दिल्ली सरकार के द्वारा एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए ना देने के कारण कालकाजी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। एमसीडी के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी के निगम पार्षद श्री राजपाल जी ने स्थानीय विधायक आतिशी को ललकारा। आतिशी के द्वारा कालकाजी श्रीनिवासपुरी में कोई काम नहीं किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ। समस्त विधानसभाओं में आज केजरीवाल साहब की पोल खोलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो रहा है, मैं यहां कालकाजी की जनता के बीच में एक उद्घोष करना चाहता हूं। आतिशी, आप विधायक हैं और राज्यपाल ललकार रहा है, कौन सी गुफा में छिपी हो ये बता तो दो। श्रीनिवासपुरी की जनता तुम्हें लालटेन लेकर ढूंढ रही है। बताओ, दिल्ली के अंदर 1.5 साल हो गया सरकार बने हुए, लेकिन इस क्षेत्र की विधायक लापता है। श्रीनिवासपुरी का एक एक जनमानस, एक एक मतदाता तुम्हें ढूंढ रहा है कि कहां है जो बड़े बड़े सपने दिखाने वाली, अपने आप को वीआईपी कल्चर में उठाने वाली ऐसी विधायक आज कहां पर है। हर मतदाता पूछ रहा है, अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है कि हमने तुम्हें इतने वोट दिए, इतने माध्यम से वोट किए, लेकिन कहां हो विधायक जी। दिल्ली के अंदर रोज अखबार के अंदर पढ़ने का मौका मिलता है कि हम पॉल्यूशन समाप्त कर रहे हैं, और एक श्रीनिवासपुरी ऐसी जगह है जहां बिन बारिश रोज बाढ़ आती है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, भगवान हनुमान की सेना भी तुम्हारे से पूछने आ गई है, पूछना चाहते हैं आतिशी जी कि कौन सी गुफा में है आप। आज दिल्ली के अंदर कालकाजी विधानसभा के अंदर हमारी महिला मोर्चा की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा के नेतृत्व में आज यहाँ पर ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन के माध्यम से मैं आप सबके बीच में ये आवाज उठाना चाहता हूँ कि लोगों को ठगने वाले, लोगों की वोटों को कैप्चर करने वाले दिल्ली सरकार के नुमाइंदों, तुम कौन सी गुफा में छुपे हो। झूठ का वातावरण कायम करने का काम, एक झूठ का अस्तित्व बनाने का काम इस सरकार ने किया है।